खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। अब किसान लोग खेती किसानी में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़कर खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। रायपुरिया से जामली मार्ग पर जा रहे थे, एक खेत पर नजर पड़ी जिसमें गुलाब के पौधे नजर आए, जिस पर गुलाब खिले हुए थे जो आते जाते राहगीरों को आकर्षित कर रहे थे। वहां जाकर खेत के मालिक छाबड़ा पाड़ा के निवासी लालू पाटीदार से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमने एक बीघा के खेत में गुलाब लगाए हैं, ये डेविड गुलाब है। इनकी कलम हम महाराष्ट्र राज्य से करीब 1000 पौधे लाए थे जिसका खर्च 15000 रुपए आया। अभी गर्मी में इनमें गुलाब लगने वाले हैं, इसमें पूरे वर्ष फूल लगते हैं। लालू भाई, आपने कितने बीघा में ये फूल की खेती कर रहे हो गुलाब की? एक बीघे। आपको कहाँ से मिली ये प्रेरणा? जी, प्रेरणा मैं अपने दोस्तों के साथ, मतलब जैसे मैं रूपाखेड़ा या धार जिले में जाता था तो उनके यहाँ बगीचे लगे थे, तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि अपने अभी अगर जब पानी हो जाएगा तो अपन भी लगाएंगे। जब माही नहर आ गई, पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो गई, हमने उस साल इसमें 15 रुपए के पौधा ला के 1000 पौधे लगाए थे। कहाँ से लाए थे आप? ये महाराष्ट्र से मिला। अब ये जो फूल निकलने लग गए तो आप कहाँ इसको, कौन से मंडी में बेचते हो? जैसे गांव में इसका ज़्यादा चल नहीं है, इसलिए हमको परेशानी आ रही है बेचने में, जो उचित दाम नहीं मिल पा रहे इसके। कम से कम इसके 50-60 रुपये किलो हमको रेगुलर मिल जाए तो इसमें हमारा जो खर्चा पानी जो मेंटेन बराबर हो जाता है। आज हमें कभी 20 रुपये किलो, कभी 30 रुपये किलो, कभी 40 रुपये, ऐसे मंडी है वाले जो लोग हैं जो अपने हिसाब से लेते हैं वो मजबूरी का फायदे उठा रहे हैं। मतलब अभी अपने को जिस तरह से दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। झाबुआ से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।